दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कैरेबियाई देश के नागरिक को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के पास से 9,950 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है। कस्टम विभाग के अफसर का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत 70 करोड़ आकी गई है। आरोपित यात्री जोहेनिसबर्ग से दोहा और फिर नई दिल्ली आया था और जब इसकी ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो ये खेप बरामद हुई। आरोपित ने खेप को ट्रॉली बैग की तली और ऊपरी हिस्से में बनाई गई जगह में छिपा कर रखा था। आपको बताया, आरोपी यात्री को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। बयान में बताया गया है, प्रोफाइलिंग के आधार पर रविवार की शाम को नई दिल्ली IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से आरोपी यात्री को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उसके सामान की पूरी जांच में ये खुलासा हुआ। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।